तो गाइज अगर आप चाहते हो एक सेवन सीटर गाड़ी परचेज करना, और तो आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रहते हैं, एक तो XUV700 और एक आती है टाटा की सफारी। अगर आपको चाहिए एक थोड़ी सी बल्की सी कार चाहिए, एक थोड़ी सी रगेड सी फीलिंग चाहिए, मजबूत सी फीलिंग चाहिए, तो आपके पास जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो कि टाटा की सफारी है। अगर इसके वेरिएंट्स की बात की जाए तो इसके अंदर XE, XM, XT, XT प्लस, XZ और XZ प्लस ये सारे वेरिएंट्स आएंगे। अगर आप इसकी पैनोरामिक सनरूफ लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ आएगी XT प्लस वेरिएंट के अंदर और XZ प्लस वेरिएंट के अंदर। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो आएगा इसके बेस वेरिएंट को छोड़ के, उस ऊपर जो भी वेरिएंट बच के उनके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। जो ये पर्टिकुलर वेरिएंट आप देख रहे हो ये इसका टॉप एंड द लाइन वेरिएंट है, XZ प्लस ट्रॉपिकल मिस्ट एडवेंचर कलर ये है। तो आज की इस वीडियो में इस गाड़ी के बारे में कंप्लीट बताऊंगा कि कौन कौन से फीचर्स, कैसे क्या कंफर्ट इस गाड़ी के अंदर प्रोवाइड होता है। अगर आपको टाटा की किसी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप इस हिमग्री टाटा को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और जो इनका एड्रेस है हरियाणा में VPO मानेसर में है इनका एड्रेस। सफारी का रिव्यू इसके की फोब से स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल ऐसी इस टाइप की आप लोग को स्मार्ट की इसके अंदर अवेलेबल होती है, जैसे कि आपने अल्ट्रोज के अंदर देखा होगा बैंड वगैरह इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ इसके अंदर लॉक फोकस, लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प और इसकी बूट को एक्सेस करने के लिए स्विच ही प्रोवाइड होता है। दोनों ही इस गाड़ी के अंदर स्मार्ट की अवेलेबल होती है। अभी जैसे आप इसकी हेडलाइट देख रहे हो तो वो जिनोन HID हेडलाइट्स मिल जाते हैं, जिनोन HID LED हेडलैम्प्स जो इसके अंदर प्रोवाइड हो जाते हैं, जो कि लो बीम के साथ काम करेगी। हाई बीम में हेलोजन बल्ब है और जो इसके फॉग लाइट्स है वो भी हेलोजन बल्ब के साथ में दे रखी है। यहाँ पे ब्लैक फिनिश का यूज देखने को मिलेगा, पियानो ब्लैक फिनिश में इस गाड़ी के अंदर जो है हर एक जगह पे आप लोग को पियानो ब्लैक फिनिश का यूज देखने को मिलेगा। जैसे इसका जो ट्रॉपिकल मिस्ट कलर आएगा विदाउट एडवेंचर, उसके अंदर क्रोम फिनिश का यूज देखने को मिलेगा, जहां पे इस गाड़ी के अंदर ब्लैक कलर का यूज दिया हुआ है। लाइक इसके यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल में, इसके हेडलाइट के अक्रॉस, इसके डोर हैंडल्स जो है वहां पे ब्लैक फिनिश का यूज दिया हुआ है। जो ट्रॉपिकल मिस्ट आएगा उसके अंदर वहां पे क्रोम फिनिश का यूज देखने को मिलेगा। ट्राई एरो टाइप की इसके अंदर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ इसकी रेडिएटर ग्रिल दी हुई है। DRLs ड्यूअल फंक्शन के साथ आएंगे, इंडिकेटर का एज वेल एज DRLs का वर्क जो है ये करेंगे। गाड़ी के अंदर फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक आता है और जो पीछे की तरफ है वहां पे भी डिस्क ब्रेक गाड़ी के अंदर अवेलेबल होता है। ये कलर भाई काफी ज्यादा अच्छा से लग रहा है, ये प्योर ब्लैक कलर आप इसको नहीं बोल सकते, थोड़ा सा चारकोल टाइप का सा कलर इसके अंदर दिया हुआ है। 235/60R18 इंच के इसके अंदर अलॉय व्हील्स जो है गाड़ी के अंदर अवेलेबल होते हैं। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिट्रैक्टेबल दोनों फंक्शन के साथ आते हैं। इंडिकेटर्स भी जो है इनके ऊपर अवेलेबल होते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर साइड एज वेल एज पैसेंजर साइड दोनों साइड में अवेलेबल होते हैं। जैसे आप गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करोगे, अभी फिलहाल में इसका कोई डोर ओपन है इस वजह से जो है गाड़ी ये आवाज़ कर रही है। जैसे आप गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करोगे तो जो इसके ORVM है वो ऑटो फोल्ड एंड ऑटो ओपन होते हैं। और ऊपर की तरफ में भाई इसका जैसे जो पहले से रेट्रो लुक जो थी, मतलब जब पहले सफारी में आती थी वो यही लुक आती थी, अभी भी इस सफारी के अंदर ये लुक मिलती है। और एक थर्ड रो का जो इसका कम्फर्ट है ना, मतलब जो थर्ड रो में स्पेस है वो बेस्ट इन सेगमेंट, वो स्पेस इसको टाटा बोलती है। जो गाड़ी की टेल लाइट है LED के अंदर मिलती है। ओवरऑल जैसे इस गाड़ी की जो लुक है ना भाई, इस कलर में बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लुक आ रही है और ये कलर भी भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा से लग रहा है। ये कलर ऐसा है और ये गाड़ी ऐसी आप लोगों को एक ही नज़र में पसंद आने वाली है। पीछे की तरफ भी सफारी की जो बैजिंग दे रखी है वो ब्लैक फिनिश में ही दे रखी है। डिफोकर वाइपर दोनों चीज़ें मिल जाती है, शेर और शेर की फैमिली, पूरी शेर की माँ, शेर के बच्चे, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। पीछे की तरफ कैमरे की प्लेसमेंट भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाती है, पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। प्रैक्टिकल स्पेस नहीं बचता है तीनों रो अप होने के बाद, किसी भी सेवन सीटर गाड़ी के अंदर देखोगे तो इतना कोई स्पेस नहीं बचता है। अगर इसकी थर्ड रो को आप डाउन करना चाहते हो तो भाई यहाँ से डाउन हो जाती है, फिर जो स्पेस बचता है गाड़ी के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव बूट स्पेस इसके अंदर हो जाता है। पीछे की तरफ जो है गाड़ी के अंदर बूट लैंप भी प्रोवाइड हो जाता है और इस साइड में सब वूफर की प्लेसमेंट भी मिल जाती है। कोई इसके अंदर ऑटोमेटिक टेलगेट नहीं आती, यानी कि इलेक्ट्रिक टेलगेट इसके अंदर नहीं आता है, या आप लोग को बंद भी और खोलना भी हाथ से ही करना पड़ेगा। और नीचे की तरफ जैसे देखोगे तो फेक एग्जॉस्ट इसके अंदर देखने को मिलेंगे, रियल एग्जॉस्ट जो है नीचे की तरफ में छुपा हुआ है, और जिसका स्पेयर व्हील है वो यहाँ पर नीचे की तरफ में देखने को मिलेगा। ये अलॉय व्हील नहीं आता है, ये आप लोग को स्टील रिम ही अवेलेबल होता है। ऊपर की तरफ में शार्क फिन का एंटीना भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। अभी गाड़ी के इंटीरियर्स में बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हो जाती है। सबसे पहले इसके डोर पैड से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस जो है ना इसके ट्रॉपिकल मिस्ट में और इस एडवेंचर कलर में, एक तो हर एक जगह पर ब्लैक ट्रीटमेंट का यूज़ देखने को मिलेगा, इसके डैशबोर्ड भी जो है ब्लैक कलर का दिया हुआ है, बट जो इसका ट्रॉपिकल मिस्ट कलर आएगा वहाँ पर थोड़ा व्हाइटिश टाइप का सा आप लोग को डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। और जो इसकी सीट है पोल्स
अपोल्स्ट्री है, अपोल्स्ट्री तो सेम ही आएगी, लेदर राइट आएगी, बट जो इसका कलर जो दिया हुआ है, ये कलर थीम जो दी हुई है ये डिफरेंट आएगी इसका ट्रॉपिकल मिस्ट कलर में। और जो इसके अदर वेरियंट्स होंगे उनके अंदर भी अदर जो सीट का कलर और डैशबोर्ड कलर वो डिफरेंट आएगा। चारों पावर विंडो के स्विचेज मिल जाते हैं, एम्बिएंट लाइट भी जो है गाड़ी के अंदर अवेलेबल हो जाती है, और जो डोर हैंडल्स हैं भाई क्वालिटी यार कितनी ज़बरदस्त दे रखी है, और जो फिनिश है ना भाई डोर हैंडल्स की वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ी सी दे रखी है। स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी, प्लास्टिक की क्वालिटी तो यार आप लोगों को पता ही होगा, और जो हर एक चीज़ की जो क्वालिटी है टाटा के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। ड्राइवर साइड सीट आप लोगों को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है। अभी गाड़ी के अंदर बात करते हैं, इस साइड में आप लोग को इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिल जाएगा और कोई स्विचेज अवेलेबल नहीं होते हैं। जो गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन के साथ अवेलेबल हो जाता है। लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील आता है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील नहीं आता है। इस साइड में इसके म्यूजिक सिस्टम से जुड़े हुए कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और इस साइड में गाड़ी में क्रूज कंट्रोल अवेलेबल हो जाता है। जो गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भाई सेमी डिजिटल आता है, टैकोमीटर स्पीडोमीटर दोनों चीज़ें मिल जाती है, बट जो इसका स्पीडोमीटर आएगा वो एनालॉग के अंदर आता है, और जो इसका टैकोमीटर है वो डिजिटल में दे रखा है, जिसकी भाई काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से शो कर देता है, ये यहाँ से कंट्रोल होता है। सेटिंग वगैरह में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, TPMS मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसका MID वो है शो कर देती है। ऊपर की तरफ में जो ये डैशबोर्ड दिया हुआ है ये सॉफ्ट प्लास्टिक में दे रखा है, मतलब सॉफ्ट है, लेदराइट का से दे रखा है। एंटी रिफ्लेक्शन डैशबोर्ड इसके अंदर मिलता है, बाकी नीचे के अंदर जो है हर एक जगह पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ देखने को मिलेगा। बीच में काइंड ऑफ वुड टाइप का भी ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, बट ये है प्लास्टिक में ही। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, सिंगल ही जोन इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल आता है। ये इसके अंदर इको मोड और स्पोर्ट्स मोड दो मोड्स अवेलेबल हो जाते हैं। इसके हैजार्ड लाइट और इसकी फॉग लाइट के लिए दे रखा है। 8 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है, XT+ के अंदर 7 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले अवेलेबल होती है। IRVM इसके ऑटो मिल जाते हैं, सनरूफ के यहाँ पे कंट्रोल मिलते हैं, अलग अलग कंट्रोल्स दे रखे हैं। जैसे आप इसकी ब्लाइंड को ओपन करना चाहते हो तो सिर्फ ब्लाइंड ही ओपन होगी, इसकी सनरूफ ओपन करना चाहते हो तो वो ओपन होगी। ये एक्चुअली मैंने भाई गलत दबा दिया था, इस वजह से वो हो रहा है। अभी देखो ये बंद हो गई, सनरूफ पूरी ओपन हो गई है। इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों मिल जाएगा, टेरेन मोड भी इसके अंदर मिल जाते हैं, रफ रोड फ्लैट मोड और नॉर्मल मोड भी मिल जाता है, और हिल डिसेंट कंट्रोल का ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इसके अंदर मिल जाते हैं विद ऑटो होल्ड फंक्शन, दो ग्लास होल्डर मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट जो है इसके अंदर फिक्स ही अवेलेबल होता है, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट नहीं आता है। और एक और चीज़ देखोगे जो इसका मतलब जो ऑक्स का दिया हुआ है और इसके USB के लिए दिया हुआ है काफ़ी मतलब अंदर से छुपा रखा है, तो थोड़ी सी इसके अंदर मतलब इंसान को पता नहीं चलता इतने अंदर छुपा रखा है, ये मुझे दिक्कत इसके अंदर लगी। और वायरलेस चार्जिंग जो है इस वेरिएंट के अंदर नहीं आती है, जो इसका वाइट गोल्ड और जो ब्लैक गोल्ड कलर आएगा उसके अंदर वायरलेस चार्जिंग एज वेल एज वेंटिलेटेड सीट्स भी अवेलेबल हो जाती हैं। तो अगर गाड़ी के अंदर कंफर्ट की बात की जाए तो बैठने के बाद एक तो आपको पूरी राजा महाराजा वाली फीलिंग आने वाली है, डैशबोर्ड पूरा अच्छा बड़ा बड़ा सा पूरा बल्की वाला सा डैशबोर्ड मिलता है, और जैसे गाड़ी का डोर्स को बंद करते हो ना भाई साहब जो ये साउंड है यार ये किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगी, क्वालिटी तो भाई ज़बरदस्त मिलती है। मेरे को तो सबसे ज़्यादा मज़े थे इसके डोर बंद करने में आ रहा है, और बैठने के बाद ना ऐसा फील हो रहा है पूरा मतलब तगड़ी सी सॉलिड सी गाड़ी के अंदर बैठ गए, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा सॉलिड सॉलिड सी दे रखी है। इसका स्टीयरिंग व्हील देख लो अच्छा मोटा सा दे रखा है, मतलब हर एक चीज़ बहुत रगड़ी सी दे रखी है। कंफर्ट विजिबिलिटी पहले बात की जाए तो विंडस्क्रीन से बहुत तगड़ी सी विजिबिलिटी आती है, बट थोड़ा सा बल्कि से साइज इस गाड़ी का कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले गए ट्रैफिक में घुसा दी तो बिल्कुल नहीं, आपको लाइन टू लाइन ही चलना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं भाई आप लोग गाड़ी को इस साइड करके कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले गए वहाँ से भगा भूख इस साइड करके कहीं से भी करके निकाल लोगे तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी थोड़ा सा बल्कि साइज होने की वजह से। बाकी ORVM से रिलेटेड कोई इशू नहीं, साइड विंडो से काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आ जाता है, अंडर थाई स्पोर्ट सीट की चौड़ाई कुशनिंग वो गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी दे रखी है। अभी बुराई क्या है गाड़ी के अंदर, जैसे आप ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये पैसेंजर बैठता है उसके भी पैर में टच होता है, और ड्राइवर बैठते हैं भाई उसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। ये वाला पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इस साइड में आ रखा है, फिलहाल में तो ये भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इस वजह से लेफ्ट पैर का तो कुछ काम ही नहीं, आराम से फुट रेस्ट पे रख लो। बाकी जब मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा ना तो भाई ये वाली चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा खटकती है, ये नीज जो है इसको बार बार टच करते हैं, सीट ज़्यादा पीछे कर लोगे फिर आप लोगों को क्लच दबाने में दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे दिक्कत आती है। स्टीयरिंग व्हील का टिल्ट एंड टेलीस्कोपिंग मैंने आप लोगों को बता दिया कि दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, एक तो ये दिक्कत है, और एक और दिक्कत है इसके ड्राइविंग में मैं अभी बताता हूँ। जैसे इसको फर्स्ट गियर में भाई उठाना बहुत ज़्यादा मतलब सेकंड गियर में ये गाड़ी उठती नहीं है, बंद हो जाती है, तो इसको बार बार फर्स्ट गियर में शिफ्ट करके उठाना पड़ता है, एक ये इस गाड़ी के अंदर दिक्कत है। और इसके ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों में आप लोगों को पीछे की तरफ ये स्टॉप लाइट भी मिल जाती है।
अभी गाड़ी के सेकंड रो में और कंफर्ट की बात करते हैं कि कैसे क्या प्रोवाइड होता है। गाड़ी के अंदर सेकंड रो की कंफर्ट की बात की जाए तो स्टेप, मतलब गाड़ी के अंदर स्टेप इन करने में तो भाई ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और जो सीट्स है ना, ये दोनों सीट्स जो दे रखी है, इनको आप आगे पीछे दोनों तरीके से कर सकते हो। ये फिलहाल में पूरी आगे वाली पोजिशन है, और जो सीट थी ना ये भी काफ़ी ज़्यादा पीछे है। बट जो इसके अंदर नी रूम है, लेग रूम है, वो गाड़ी के अंदर भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। 3 पर्सन गाड़ी के अंदर बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। और एक और अच्छी चीज़ है इसके अंदर जो है, आपको सीटिंग पता है किस तरीके से मिलती है, जैसे आपने थिएटर वगैरह में देखी होगी, आगे वाली जो सीट्स हैं वो नीची है, जो पीछे वाली सीट्स हैं वो थोड़ी सी ऊंची मिलती है। तो इस वजह से क्या है, गाड़ी के अंदर जो विजिबिलिटी है भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाती है। थोड़ा सा मोशन सिकनेस होने का भी चांसेस उसके अंदर कम हो जाते हैं। एयर के वेंट्स जो हैं इसके यहाँ पे साइड में आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसके पिलर्स पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बीच की तरफ आर्मरेस्ट, आइसोफिक्स सीट्स, 2 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 1 2 पॉइंट सीट बेल्ट, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और भाई ऊपर की तरफ सबसे मस्त तो है इसकी पैनारोमिक सनरूफ, काफ़ी बड़ी सी दे रखी है। ओपनिंग एरिया जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा है। अभी इसकी जो पैनारोमिक सनरूफ है इसकी सेकंड रो तक ही आती है, बट जो व्यू है भाई पीछे से भी आ जाता है। तो कहीं पहाड़ वाले इलाके में जाओगे, एक नंबर का मज़ा आप लोग को इस गाड़ी के अंदर आने वाला है। अभी गाड़ी के थर्ड रो में बात करते हैं कि कैसे क्या कम्फर्ट जो है प्रोवाइड होता है। और एक और चीज़ और है, जो इसकी सेकंड रो का रेक्लाइनिंग एंगल है, आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो भाई कितना ज़्यादा इसके अंदर रेक्लाइनिंग एंगल एडजस्ट हो जाता है। और इस गाड़ी के अंदर क्या है, आप लोग को टंबल फोल्ड का सिस्टम मिलता है इसकी थर्ड रो में जाने के लिए। तो इसकी थर्ड रो में और जाके दिखाता हूँ कि कैसे क्या है, कैसे क्या कम्फर्ट जो इसके अंदर प्रोवाइड होता है। तो ये देखो भाई यार, ये सीट ना मुझे थोड़ी आगे करनी पड़ेगी, कुछ ज़्यादा ही पीछे आ रखी है, इस वजह से क्या है पूरी टंबल फोल्ड नहीं हो पाई है। अभी देखो इसके अंदर इतना एरिया बचता है इसकी थर्ड रो में जाने के लिए। इसकी सीट्स को मैं पहले ऊपर कर देता हूँ, देन इसकी थर्ड रो में कंफर्ट चेक कराते हैं। देखो टाटा बोलती है कि भाई इसकी थर्ड रो में सबसे बेस्ट इन सेगमेंट कंफर्ट है। तो भाई मैंने आप लोग को और भी वीडियोज़ में दिखाया था कि कंफर्ट जो है ना भाई सही में ही इसकी थर्ड रो में बेस्ट इन सेगमेंट है। तो ये देखो भाई सीट पूरी पीछे थी जो ये वाली सीट थी, फिर भी इसके अंदर जो लेग रूम है काफ़ी सही मिल जाता है। अंडर थाई स्पॉट तो जाहिर सी बात है पुअर है, बट जो लेग रूम है वो काफ़ी सही है। कंपेयर करोगे XUV700 से तो इस गाड़ी के अंदर भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है, उस गाड़ी से XUV700 से तो इस गाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम्फर्ट मिलता है इसकी थर्ड रूम में। और पीछे की तरफ 2 USB फास्ट चार्जिंग के लिए मिल जाती है। इस साइड में एयर के वेंट्स की भी आप इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो, और एयर के वेंट्स भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। 2 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, और पीछे की तरफ 2 आप लोग को एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। रीडिंग लैंप्स की बात की जाए, एक तो आगे की तरफ में दिया हुआ है, 2 इसके LED में रीडिंग लैंप्स यहाँ पे दे रखे हैं, और 1 रीडिंग लैंप इसके यहाँ पीछे दे रखा है। तो भाई थर्ड रो में भी हर एक चीज़ों का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। इसके अंदर ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ पाओगे एज कम्पेयर टू XUV700। टाटा सफारी के अंदर आप लोग को एक इंजन मिलेगा 2 लीटर का क्रायोटेक इंजन, डीजल में आती है सिर्फ, ये गाड़ी पेट्रोल के अंदर नहीं आती है। और 2 ट्रांसमिशन आ जाते हैं ऑटोमेटिक और मैनुअल, बेस वेरिएंट को छोड़ के उन सुपर जो भी वेरिएंट बच के सबके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा, जो कि टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है। 6 स्पीड गेयरबॉक्स मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक दोनों के अंदर 6 स्पीड ही गेयरबॉक्स अवेलेबल होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है, इसका जो इंजन है 170 PSO पावर प्रोड्यूस करता है और 350 Nm ऑफ टॉर्क। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।